देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मऊ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मधुबन थाना क्षेत्र में मिली युवती की पहचान नंदिनी चौहान के तौर पर हुई। बदायूं में गांव के विकास को लेकर जनता ने 2019 चुनाव का किया बहिष्कार, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। झांसी के मऊरानीपुर गुड़सराय मार्ग पर कार और बाइक में टक्कर, बाइक सवार समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। संभल अंतर जनपदीय गोली मार लूट गैंग का मास्टरमाइंड शातिर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। झांसी में तहसील क्षेत्र में पिछले दिनों एक 55 साल की महिला की अचानक मौत हो जाने की बात पत्नी वियोग और बैंक कर्ज से परेशान किसान ने भी तोड़ा था। मऊ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मधुबन थाना क्षेत्र में कुंडा शरीफपुर के सामने सुखी नहर में रविवार की सुबह एक लावारिश हालत में 18 साल की युवती की पहचान ग्राम आदमपुर के रहने वाले सूर्यभान चौहान की पुत्री नंदिनी चौहान के रूप में की गई है। मऊ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मधुबन थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडा शरीफपुर के सामने सूखी नहर में एक लावारिश हालत में मिली 18 साल की युवती की पहचान ग्राम आदमपुर के रहने वाले सूर्यभान चौहान की पुत्री नंदिनी चौहान के रूप में की गई। बताया गया है कि नंदिनी अपने घर से 2 दिनों से लापता थी। परिजन तलाश कर रहे थे कि लावारिश लाश मिल गई। सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने के बाद परिजनों ने पहचान नंदिनी के तौर पर की। चर्चा है कि नंदिनी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, लेकिन प्रेमी ने धोखा देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में हलका दारोगा सत्यनारायण यादव ने बताया कि और डेड बॉडी को करीब जितने उधर हृदय पट्टी थी 5-6 गांव के लोग टूटे हुए थे, सारी भीड़ टूटी हुई थी। मैं ग्राम प्रधान उस आदमपुर का प्रधान हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश चौहान। आपके गांव में कोई घटना हुई है, क्या मामला है? उस मामले को देखिए, एक परिस्थिति में एक लड़की की लाश कुंडा सरीख के पास नहर में मिली है और उसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं। आपके गाँव की लड़की क्या नाम था? उसका नाम था नंदिनी थी और पिता का नाम था सूर्यभान चौहान। शव की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। दूसरे दिन पता चला कि ये लड़की थाना क्षेत्र के ग्राम आदमपुर की है, जहां जांच पड़ताल जारी की गई। पता चलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम आदमपुर के ग्राम प्रधान का कहना है कि ये लड़की गाँव की ही है, अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी और प्रेमी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, जल्द ही वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। 2019 का चुनाव नजदीक आते ही वोटरों ने भी परिवर्तन करने का मन बना लिया है। ऐसा ही एक नमूना बदायूं जिले में देखने को मिला। गांव के विकास को लेकर वहां की जनता ने 2019 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिसके ऊपर लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। 2019 का चुनाव नजदीक आते ही वोटरों ने भी परिवर्तन करने का मन बना ही लिया। ऐसा ही एक नमूना बदायूं जिले के पड़ेली गाँव में देखने को मिला। गांव के विकास को लेकर वहां की जनता ने 2019 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जिसके ऊपर लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। साथ ही पड़ेली गांव के लोगों ने मौजूदा प्रधान अमरेंद्र सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से मेरी गलियां वैसी ही हैं। महिलाओं ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हमारी गली नहीं बनी तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव की ही रहने वाली सुधावती ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए लोहिया आवास में 50,000 रुपए मांगने की बात कही। बता दें कि सुधावती विधवा है और इनके पुत्र मनोज विकलांग हैं और पुत्र वधु भी विकलांग बताई जा रही है। एक पन्नी डालकर ये परिवार रहता है, आज तक कोई भी सरकारी लाभ इन्हें नहीं मिला। हाँ, क्या है आपका पूरा मामला? ये रोटी का है। रोड का है, क्या समस्या है? रोड बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? कोई नहीं सुनता, ना प्रधान सुने ना कोई सुने। अच्छा, क्या आपने कभी विधायक या सांसद से बात की इसके बारे में? सबसे कड़ी बात। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? ये रोड बन जाएगा तब वोट देंगे हम, सब लोग नहीं देंगे।
अच्छा अच्छा, तो हाँ। आपने कभी यहाँ पर किसी से कहा किसी ने? सबसे कही, कोई नहीं आता है कब्जे में, कोई नहीं आता कब्जे में। तो अब आपने क्या कदम उठाए हैं? अब ये कदम है हमारे, जो रोड बन जाए, लैट्रिन बन जाए, कमरा बन जाए, हम वोट देंगे, और नहीं बनाया तो किसी को नहीं देंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। नहीं, रोड को लेकर समस्या है, लोग वोट नहीं डालना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? उसके बारे में क्या कहें, वोट भी डालेंगे, कुछ काम नहीं हो तो वोट को क्या करेंगे? जब हमारा काम पूरा नहीं होगा तो वोट किसके लिए दें, बोलो। आपके आपके गांव में मतदान को बहिष्कार किया जाता है, क्या आप इसके इसमें इसके समर्थन में हैं? आप चाहती हैं वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? अगर आपको हमें वोट हम डालेंगे, हमें अगर कुछ मिलेगा तो हम वोट डालेंगे, ना जो कोई आवेगा को उल्टो लौटा रहेंगे, हम ना वोट डालेंगे। फिलहाल बहिष्कार की चिंगारी पूरी तरह भड़क उठी है और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। झांसी के मऊ रानीपुर गुड़सराय मार्ग पर एक कार और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बाइक जल गई और कार में सवार और बाइक सवार समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार की सुबह मऊरानीपुर से स्कूली शिक्षकों को ग्राम पंडवाह स्थित स्कूल ले जा रही ओमनी कार जैसे ही मऊरानीपुर गुसराए मार्ग पर स्थित ग्राम स्यावरी पहुंची कि सामने से आ रही बाइक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के बाद बाइक जल उठी, जिसमें मऊरानीपुर निवासी योगेश पुत्र उपेंद्र दमेली, सीमा सिद्दीकी, मुस्कान अलवीरा सहित बाइक सवार राघवेंद्र सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी बामौर जो बाइक से मऊरानीपुर आ रहा था गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने 2 लोगों को झांसी रेफर कर दिया है। एक्सीडेंटल केस है जिसकी हालत गंभीर है, झांसी भेजा गया, 4 लगभग 4 लोग घायल हैं, एक की हालत गंभीर है, झांसी भेजा गया। एक्सीडेंट, हम लोग पढ़वा जा रहे थे, डेली जाते थे, आज भी जा रहे थे, निकलने के बाद सामने से बाइक वाला आ रहा था, वो इतनी तेज बाइक चला रहा था, गलती उसी की थी, उसने आगे से। अलविदा, क्या घटना हुई है? स्कूल जा रहे थे हम लोग पढ़ाने के किराए, डेली जाते के किराए मेमोरियल, क्या घटना हुई? तो वहाँ से सामने से बाइक वाला आया, उसने सीधी गाड़ी मार दी। कहाँ पे घटना हुई? स्यावरी रोड के आगे, स्यावरी के पास। बाइक से भिड़ंत, बाइक में कितने लोग थे? एक था, बाइक में सिर्फ एक थे और हम लोग 4 लोग थे। मऊरानी से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। संबल अंतर जनपदीय गोली मार लूट गैंग का मास्टरमाइंड शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त अमरोहा के भूरा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। ये गैंग गांव में लगी बाजारों में रेकी करते थे। संबल अंतर जनपदीय गोली मार लूट गैंग का मास्टरमाइंड शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त अमरोहा के भूरा गैंग का सदस्य ये गैंग गांव में लगी बाजारों में रेकी करते थे। अभी संबल थाना क्षेत्र असमोली के मनोट बाजार में पिछले दिनों इस गैंग के 3 बदमाशों ने 2 पशु व्यापारी बाप बेटे से गोली मारकर लूट की थी, जिसमें व्यापारी इकरार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बेटा सद्दाम गंभीर घायल हो गया था। आज मुखबिर की सूचना पर गोली मार लूट वाले भूरा गैंग का एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और पिछले दिनों भूरा और मोहा में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और गैंग का 3रा साथी फुरकांत को अमरोहा जिले में लूटकांड में जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के लिए 15,000 का इनाम देकर सम्मानित करते हुए पुलिस टीम की हौसला अफजाई की है। इसके बाद ये पूरा गैंग प्रकाश में आया है, जिसमें भूरा, फुरकान और माहिर ये शामिल थे। भूरा गैंग का व्यक्ति वो है जो जिसने अमरोहा में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक सब इंस्पेक्टर पर गोली मार करके हमला किया था, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हुई थी। उसी गैंग के ये सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फुरकान इनका पकड़ा गया था और ये माहिर हमारी टीम ने पकड़ा है। ये अंतर जनपदीय गैंग के लोग हैं। लगातार इस क्षेत्र में बदायूं, बिजनौर, अमरोहा और संभल में घटनाएं करते रहते थे। अब इस तरीके की लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इनके पूरे गैंग को गश्त किया जा रहा है। ये कई जगह से वांछित अपराधी थे और इसी इस सराहनीय प्रयास के लिए पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम दिया गया है। संबल से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। झांसी में मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र में पिछले दिनों एक 55 साल की महिला की अचानक मौत हो जाने के बाद पत्नी वियोग और बैंक के कर्ज से परेशान किसान ने भी दम तोड़ दिया। मऊ रानीपुर निवासी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुखारा निवासी अजुद्दी पुत्र
थोवन अहिरवार को मंगलवार की दोपहर परिजन उसे अचेत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि विगत दिवस मृतक की पत्नी रवि देवी की मौत खेत पर काम करते समय अचानक फावड़े पर गिरने से हो गई थी, जिसमें 12 घंटे के अंदर ही किसान ने खेत पर पानी, पत्नी व वियोग व कर्ज से परेशान होकर सदमे में दम तोड़ दिया। परसों का को पत्नी की का को गांव वाले बता दे, घर के बताते हैं फावड़े से पे गिर पाई तो खत्म हो गई, ग्वालिया ले गए ट्रीटमेंट का। कल 3 बजे रात के खत्म हो गई, कल उसकी दाह संस्कार हुआ, आज पति खत्म हो गए। पति की मौत का क्या कारण है ये तो बता नहीं सकते हैं, क्या गम में हो गए, पत्नी के गम में हो गए या जिस भी प्रकार से हो, ये तो घर वाले बता सकते हैं। कर्ज कितना है, कैश तुझे घर वाली बता सके कितना है कैश। माता जी की घटना के बाद ये कितने समय घटना हुई है? अब ये माता जी को कल दाह संस्कार किया, आज 12 घंटा नहीं भाई यहाँ और ये खत्म हो गया। इनकी मौत होने की वजह क्या है? मौत होने या तो कर्ज है या टेंशन है। मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके ऊपर बैंक का लगभग 150,000 व साहूकारों के ऊपर 1,00,000 का कर्ज है तथा 12 बीघा जमीन है। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। मौरानी से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।